नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है, उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। तालिबान के आतंकवादियों के द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिए जाने के बाद से इस मुल्क के लोग तेजी से देश छोड़कर जा रहे हैं। काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग भी हुई है और उसके बाद एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई है। भारत की ओर से सोमवार को एयर इंडिया को 2 फ्लाइट काबुल भेजी जानी थी। इसके लिए 2 विमानों को स्टैंड बाय मोड में रखा गया था। इनके जरिए वहां फंसे भारतीयों को निकाले जाने की योजना थी, लेकिन बाद में इन्हें रद्द करना पड़ा। जबरन काबुल से बाहर जाने के लिए हवाई विमानों में चढ़ने की कोशिश में काबुल हवाई अड्डे पर कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। रॉयटर्स को एक चश्मदीद ने बताया कि उसने 5 लोगों के शवों को एक वाहन में ले जाते देखा है। तो वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि पीड़ितों की हत्या गोली लगने से हुई या भगदड़ में हुई। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट पर हवा में गोलियां चलाई थी, जिससे आम लोगों को हवाई जहाज में चढ़ने से रोका जा सके। तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करते ही अलग अलग जेलों में बंद हजारों कैदियों को रिहा कर दिया। इनमें इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के आतंकवादी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में ऐसे आतंकवादियों की तादाद सैकड़ों में है और समझा जाता है कि उनमें से ज्यादातर को छोड़ दिया गया है। बगराम जिले के प्रमुख दरवेश रऊफी ने इसकी पुष्टि करते हुए पत्रकारों से कहा कि तालिबान के लड़ाके बगराम एयरबेस पर पहुंचे तो उनका विरोध नहीं किया गया और उन्हें सब कुछ सौंप दिया गया। तालिबान ने तुरंत जेल के दरवाजों को खोलकर सबको रिहा कर दिया। तालिबान द्वारा काबुल में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद तालिबान ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है। रॉयटर्स के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने अल जजीरा से कहा कि हमने वो हासिल कर लिया है जो हम चाहते थे। हम अपने देश की स्वतंत्रता और अपने लोगों की स्वतंत्रता चाहते थे। इसके साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम किसी को भी अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं करने देंगे और हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने कहा कि संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते रखना चाहता है और उनके साथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आने वाले दिनों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर चिंता जताई है। साथ ही तालिबान और दूसरे समूह से अपील की है कि वो आम नागरिकों की जान बचाने की कोशिश करें। एंटोनियो ने ट्वीट कर कहा कि अफगानिस्तान में जारी संघर्ष और मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन के बीच वहां हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। यहां सालों बाद महिलाओं और लड़कियों को मिले मानवाधिकार को बचाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति बेहद चिंताजनक है। भारत के सामरिक हित दांव पर हैं। हमारे दूतावास और उसके कर्मियों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा दांव पर है। मोदी सरकार को अपनी नींद से जागने और अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की रक्षा करने की जरूरत है। पेगासस स्पाइवेयर से जासूसी के मामले में केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसके लिए सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी जो इस मामले में लगे आरोपों की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को भी केंद्र सरकार ने नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए 2 पेज के हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में दायर याचिकाएं अनुमानों, अप्रमाणित मीडिया रिपोर्टों या अपुष्ट सामग्री पर आधारित हैं। कांग्रेस को सोमवार को जोरदार झटका उस वक्त लगा जब अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सुष्मिता देव ने अपना इस्तीफा पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। सुष्मिता देव को टीम राहुल का सदस्य माना जाता था और वह असम से आती हैं। उनके TMC में शामिल होने की अटकलें हैं। सुष्मिता देव असम में कांग्रेस के बड़े नेता रहे संतोष मोहन देव की बेटी हैं। स्वतंत्रता दिवस वाले दिन पूर्वोत्तर में हिंसा हुई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के आवास पर पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि उस दौरान मुख्यमंत्री के आवास पर कोई नहीं था, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालात खराब होने के बाद राज्य में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के कई इलाकों से हिंसा और आगजनी की खबरों के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जिन इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है उनमें ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स और रीभोई जिले शामिल हैं।
हिंसा की घटनाएं एक पूर्व बागी नेता चेरिस्टार फील्ड थांगयू की मौत के बाद शुरू हुई। हिंसा भड़कने के बाद राज्य के गृह मंत्री लखमेन रिम्बुई ने इस्तीफा दे दिया था। भारत में एक दिन में 32,937 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 417 लोगों की मौत हुई है। वहीं केरल कोरोना के मामलों में फिर शीर्ष पर रहा। केरल में पिछले एक दिन में 18,582 नए मामले मिले और इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां 4,797 मामले दर्ज किए गए। फिलहाल देश में 381,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।